बिहार और देश की राजनीति में चिराग पासवान राजनीतिक कायापलट के शानदार एग्जाम्पल बनकर उभरे हैं। 2020 में पिता रामविलास पासवान की मौत के बाद चिराग के नेतृत्व में पार्टी ने बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा। चुनाव में चिराग ने जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू और नीतीश कुमार को निशाना बनाया। अब चिराग कैसे बन गए मोदी के हनुमान, इसकी चर्चाएं जोरों पर हैं। तो बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद, संवाद भारत का, भारत के लिए। तो चिराग पासवान की जब कहानी शुरू होती है तो चिराग ने पार्टी को एनडीए से बाहर भी कर लिया था। नतीजों में भले ही पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई, नतीजों के कुछ महीनों बाद ही एलजेपी में फूट पड़ी और 2021 की शुरुआत में चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस 6 में से 4 सांसदों को लेकर मोदी सरकार में शामिल हो गए। चिराग एक तरह से राजनीतिक गुमनामी में पहुंच चुके थे, जहां वे न केवल एनडीए से बाहर हो गए बल्कि पार्टी का चुनाव चिन्ह भी पारस गुट के पास चला गया। चिराग ने अपनी पार्टी को विभाजित करने के लिए सीधे तौर पर नीतीश और जेडीयू को जिम्मेदार ठहराया था। उस समय बीजेपी ने भी राजनीतिक गणित के कारण चिराग की कोई भी मदद नहीं की थी। अब राजनीतिक जो गलियारे हैं उसमें चर्चा ये है कि इन तमाम असफलताओं के बावजूद चिराग ने नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी जो वफादारी दोहराई और खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान घोषित किया, यही वजह रही कि भाजपा ने चिराग के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए और उन्हें हमेशा खुश रखा। इसी बीच चिराग ने बिहार में अपनी आशीर्वाद यात्रा के साथ मैदान में कदम रखा और दिखा दिया कि दलित मतदाता उन्हें रामविलास पासवान का असली वारिस मानते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने पासवान की पहली पुण्यतिथि पर चिराग को एक मार्मिक पत्र लिखा था तो एनडीए के दरवाजे एक बार फिर से उनके लिए खुल गए थे। हालांकि कई लोगों का ये कहना भी है कि चिराग का बिहार में केवल 5% पासवान समुदाय के वोटों पर ही नियंत्रण है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के हिस्से में आई सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करने के साथ ही ये भी सुनिश्चित किया कि राज्य में दूसरी सीटों पर जहां एनडीए के उम्मीदवार मैदान में हैं वहां भी दलितों के वोट मिले और इस तरह उन्होंने एक परिपक्व राजनेता होने का सबूत दिया। उन्होंने खुद अपनी सीट पर लालू यादव के आरजेडी के शिवचंद्र राम को 1.7 लाख वोटों से हराया था। इसके अलावा 2020 के विधानसभा चुनावों के जब विश्लेषण करते हैं तो पता चला कि चिराग ने बीजेपी और जेडीयू को 54 सीटों पर खासा नुकसान पहुंचाया था। जेडीयू इसी वजह से 70 में से सिर्फ 43 सीटें ही जीत पाई थी और इस तरह चिराग ने साबित किया कि वे बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर करने में सक्षम है और इस तरीके से वो मोदी जी के हनुमान भी बन गए और आज जो उनका रुतबा बिहार की राजनीति में कायम है वो वाकई में देखने लायक है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर, ये भी जरूर रखिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। माय फ्रेंड नीड अ स्पोक्सपर्सन वीडियो, सो आई हैव द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। हे आई एम चेतना एंड आई एम एन इंडिया बेस्ड प्रेजेंटर। आई कम फ्रॉम न्यूज, एक्टिंग, ड्रामा एंड परफॉर्मेंस बैकग्राउंड। दैट मींस I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.